अपने तीन रोजा जम्मू कश्मीर दौरे पर आए वजीर दाखिला अमित शाह ने कल जम्मू के राजौरी में एक अवामी रैली से खिताब किया और वही आज वादी कश्मीर के बारामूला में भी एक अवामी जलसे से खिताब करके वजीर दाखिला और ताउन के वजीर अमित शाह ने श्रीनगर कश्मीर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। मंशियात का सेवन करने वालों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा एक प्रीलिम सर्वे यूटी के 10 जिलों में किया गया। इस बढ़ती सामाजिक समस्या से निपटने के लिए विजयदशमी के पावन पर्व पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अपने कर कमरों से कई सारे प्रोजेक्टों का शिलान्यास करेंगे और कई सारे प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। ये 16 प्रोजेक्ट है जिनका शिलान्यास होगा और जिनका उद्घाटन होगा। मेरी विनती है आदरणीय मंत्री से कि अपने हाथों से वो ये काम अंजाम दें, ये शुभ काम अंजाम दें जिससे जम्मू कश्मीर काफी तरक्की की राह पे और आगे बढ़े। धन्यवाद आपका बहुत बहुत का विमोचन करें जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंपेंडियम है। पूरे विश्व की आबादी के लिए तरक्की के नए लक्ष्य जो तय किए गए हैं उसमें जम्मू कश्मीर कहां ठहरता है हमारे देश में उसका एक ब्यौरा है इस कंपेंडियम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंपेंडियम जिसे आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अपने कर कमरों से विमोचित कर रहे हैं। आज से ठीक 3 साल और 2 माह पहले जम्मू कश्मीर तामीर तरक्की के उन्नति और प्रगति के एक नए पथ पर चल पड़ा और उसी में कई सारे मील के पत्थर जुड़ चुके हैं। आज उसी सफर में हम और आगे बढ़े हैं और केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने हाथों से सर अभी आपके कर कमरों से लगभग 2000 से ऊपर के एक प्रोजेक्ट के शिलान्यास का हुआ और इसका कार्यक्रम पूरा हुआ। सर मैं बस 2 बातें कहना चाहूंगा। सर आजादी के अमृत महोत्सव में जो अमृत सरोवर का काम करना था उसमें जो प्रधानमंत्री जो लक्ष्य दिया था 2023 के लिए वो हमने आज पूरा कर लिया है। तो 75 अमृत सरोवर करीब इस लिहाज से हम कंट्री के प्रथम यूटी बन गया है सर और राज्य बन गया जो पूरा हो गया। और नशा मुक्त अभियान में सर जो आपका निर्देश था
वो भी पूरा कर लिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला सर। धन्यवाद सर।